स्वागत है प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा आठ के लिए, आठवीं के लिए पाठ छः संस्कृत भाषा पाठ अध्ययन हम करेंगे और प्रश्न उत्तर की वीडियो आपको अलग मिलेगी, क्योंकि पाठ अध्ययन थोड़ा सा जो ये वीडियो है लंबी है, मे बी आपकी 20 मिनट के आसपास की है, तो प्रश्न उत्तर की वीडियो आपको अलग से मिलेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रश्न उत्तर की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या प्रश्न उत्तर की वीडियो के अंदर पाठ अध्ययन का लिंक मिल जाएगा। आप प्यारे बच्चों बड़े ही आसानी से वीडियो को देख सकते हो, तो देरी ना करते हुए प्यारे बच्चों चलते हैं। और यदि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ये सभी की सभी वीडियो क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगी। लोगो आपको नज़र आ रहा है, आप ये क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब पर टाइप कर दीजिए और आप वहाँ पर अपने पाठ की कोई भी वीडियो देख के अपनी नैतिक शिक्षा के कार्य को पूर्ण कीजिए। तो देरी न करते हुए चलते हैं प्यारे बच्चों, पाठ छः संस्कृत भाषा। हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है उसका नाम है संस्कृत भाषा, देववाणी या सुर भारती। यहां पर यह अपने आप में एक आंतरिक प्रश्न भी बन जाता है कि संस्कृत भाषा को किस किस नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत भाषा को हम देववाणी से भी पुकारते हैं और सुर भारती से भी पुकारते हैं। संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। यहां कहने का अर्थ यह है कि आज विश्व के अंदर जितनी भी हमारे पास भाषाएं हैं, सबसे जो प्राचीन भाषा है और उच्च कोटि की भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृत तथा सभ्यता का निर्माण किया। भारत की आधुनिक भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। अब जितनी भी हमारी भारत की भाषाएं हैं या विश्व की आधुनिक भाषाएं हैं, वो हमारे विद्वान कहते हैं कि वो संस्कृत भाषा ही सब भाषाओं की जननी है। नेक्स्ट, अब आगे पाठ अध्ययन के अंदर हम चलते हैं। संस्कृत का जो मौलिक अर्थ है, अब ये अपने आप में एक आंतरिक प्रश्न भी है, संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है। सिर्फ एक वर्ड के अंदर है कि संस्कृत संस्कार की गई भाषा को मौलिक भाषा कहते हैं, कि अर्थात कि जिसको परख के, जांच के उपयोग किया गया हो, ऐसी भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं और संस्कृत का मौलिक अर्थ भी यही है। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग, अब ये हमें बताता है कि जो संस्कृत है हमारे भारत देश के अंदर कहाँ पर मतलब की प्रयोग मिलती है। सबसे पहले वाल्मीकि रामायण के अंदर इसका प्रयोग हमें मिलता है पहले पहल, जब भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने के कारण और पाली तथा प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषाएं बन गई। ये प्राकृत भाषाएं का मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रीजनल लैंग्वेज जो बन गई है, तब जान पड़ता है कि विद्वानों ने प्राकृतिक भाषा से वे भेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत भाषा दे दिया। संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। अब ये क्यों संबंध है, अपने आप में प्रश्न भी है, कैसे है, यहां इस पैराग्राफ के अंदर उत्तर दिया हुआ है।
संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है। अब यहाँ पर अपने आप में एक आंतरिक प्रश्न है कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। अतः संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। अब जब सबसे पुरानी भाषा है, सभी भाषाएं इससे निकली हैं, तो क्या है कि सभी भाषाओं की माता है संस्कृत। इस जननी माँ माता है, इस भाषा के समान मृदुलता, मीठापन, मधुरता, व्यापकता किसी भी भाषा में नहीं है। भारत की समस्त भाषाओं का सोर्स, स्त्रोत जिसे बोलते हैं, वो संस्कृत ही है। जैसे जब हमने पाठ को शुरू किया, वहां पर कहा गया कि भारत की जितनी भी भाषाएं निकली हुई हैं, वो कहां से निकली है? संस्कृत से। इसलिए यहां पर कहा गया सभी भाषाओं का स्रोत क्या है? संस्कृत है। संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर देखो प्यारे बच्चों, हर एक लाइन से एक आंतरिक प्रश्न बन रहा है। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे पाठ को, तो आपको आंतरिक प्रश्नों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पाठ पढ़ने से ही आपको याद हो जाएंगे। यदि आप मेरी वीडियो भी देख लोगे, उससे भी आपको आंतरिक प्रश्नों का पता लग जाएगा। समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि संस्कृत में लिखे गए हैं। अब देखो यहां पर फिर क्वेश्चन बन गया कि सब प्राचीन जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखे गए हैं। अब आप क्या उत्तर दोगे? संस्कृत भाषा के अंदर। नेक्स्ट, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विदेशी भाषाओं का मूल यदि खोजा जाए तो संस्कृत ही मिलेगी। मूल मैंने जहां से शुरू हुआ, अब यही तो कहा सभी की जननी है, सभी भाषाएं यहां से निकली हैं। अभी यहां पर फिर एक आंतरिक प्रश्न बन जाता है, विदेशी भाषाओं का मूल कौन सी भाषा है? आप उत्तर क्या दोगे बच्चों? संस्कृत भाषा। अब देखो यदि आप मेरी YouTube वीडियो भी ध्यान से देख लोगे, तो आपको चैप्टर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि YouTube वीडियो देखने के बाद एक बार आप पुस्तक से पाठ को जरूर पढ़ें। संस्कृत ग्रंथों में छिपा हुआ ज्ञान विज्ञान हम आर्यों के प्रमाद, प्रमाद होता है बेटा अलक्ष्य, जो हम आर्य हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनके आलस्य के कारण संस्कृत का जो ग्रंथों के अंदर ज्ञान है वो लुप्त होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। विदेशी लोग हमारे ही इस संस्कृत कोश से ज्ञान विज्ञान खोजकर अपना लेबल लगाते जा रहे हैं। अब फिर यहाँ पर प्रश्न बन गया कि विदेशी लोग किस भाषा से शब्द खोजते हैं, तो किस भाषा से? संस्कृत भाषा से, और अपना नाम दे डालते हैं। भाषा हमारी, शब्द हमारे, नाम विदेशियों का, तो ये क्या है? अलस्य के कारण। किसका? आर्यों का। हम अभागे लोग उस आयतित इंपोर्ट, अब विदेशों ने हमारे ही शब्द हमें ही आयात कर दिए, इंपोर्ट कर दिए, और उसको हम पाकर धन्य समझते हैं। भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित है। फिर प्रश्न बन गया आंतरिक, भारत में सभी मतों का ज्ञान कहां पर सुरक्षित है? संस्कृत। नेक्स्ट, जैनियों, बेटा अब यहां पर थोड़ा सा धर्म की बात आ जाती है कि हमारे जैन धर्म है, बौद्ध है, और जो उनका मूल ग्रंथ है, जहां से वो ग्रंथ स्टार्ट होते हैं, वो या तो प्राकृत और पाली भाषाओं में हो, किंतु उनके वस्तु विषय की सुरक्षा इन ग्रंथों में संस्कृत रूपांतर ने ही की है। इट मीन्स ट्रांसलेशन, जो उनका ग्रंथों का ट्रांसलेशन हुआ, उनका प्रतिरूप बना, वो किस में हुआ? संस्कृत के कारण ही हुआ। उनमें जो कुछ वह पहले से ही संस्कृत में था संस्कृत में लिख दिया उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर। गुरु, अब बात आती है गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भगत थे। उन्होंने अपने कुछ
शिष्यों को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा। फिर आंतरिक प्रश्न बन गया, गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों को क्या पढ़ने के लिए भेजा? संस्कृत। कहाँ भेजा? काशी। बड़ा आसान है। उनका दशम ग्रंथ यद्यपि हिंदी में है, उनका दशम ग्रंथ किस विषय पे है, किस भाषा में है? आप कहोगे हिंदी में, किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उसे अच्छी तरह समझ पाना असंभव है। फिर आंतरिक प्रश्न बन गया कि गुरु गोविंद सिंह के दशम ग्रंथ को किस भाषा के ज्ञान के बिना आप समझ नहीं सकते? क्या कहोगे? संस्कृत। गुरु जी के संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक सिख रियासत में संस्कृत की निःशुल्क पाठशालाएं चलती रही। अब गुरु जी ने अपनी रियासत में किस भाषा की पाठशालाएं चलाई? संस्कृत। नेक्स्ट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा की प्रतिष्ठा के पक्षपाती थे। अब फिर आंतरिक प्रश्न बन गया, भारत में अंग्रेजी के स्थान पर संस्कृत के कौन पक्षपाती थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। देखो प्यारे बच्चों, हर एक लाइन से एक आंतरिक प्रश्न निकल रहा है। यदि आप मेरी वीडियो ध्यान से सुनोगे तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बार पुस्तक पढ़ने से आपका आंतरिक एमसीक्यू सारे का सारा त्याग। उनका कहना था कि भारत की सभी भाषाओं में संस्कृत के आधार पर नए नए शब्द बनाने की अपार क्षमता है। इसी कारण से तो विदेशी हमारी भाषाओं से नए नए शब्द निकालते हैं और हमें इंपोर्ट कर देते हैं, जैसा कि पीछे बताया गया। संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। फिर क्वेश्चन बन गया कि संस्कृत दूसरी भाषा की अपेक्षा मुश्किल है या सरल है? सरल है। इसकी सरलता, इसकी सरसता और भावों के आदान प्रदान की क्षमता से भयभीत अंग्रेजी के गुलामों ने संस्कृत की कठिनता का झूठा प्रचार करके जनता को इससे दूर रखना चाहा। देखो प्यारे बच्चों, संस्कृत को विदेशों ने हमसे दूर कर दिया। क्यों? इसका नाता रोजी रोटी और सम्मान से तोड़ने का कुचर लगातार चलाया जा रहा है। भ्रम जाल फैलाया जा रहा है कि संस्कृत मुश्किल है, आपको नहीं आने वाली, इसको छोड़ दो, आप दूसरी भाषाएं सीख लो। इस प्रकार का भ्रम जाल, कुचक्कर भ्रम जाल चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की विशेषता भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। फिर आंतरिक प्रश्न बन गया, प्यारे बच्चों, विश्व में किसी दूसरी भाषा को सीखने की अपेक्षा सबसे कम समय किस भाषा में लगता है? संस्कृत में लगता है। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वह दिशा प्रदान करता है जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषय में प्रवेश सुगम हो जाता है। अब फिर आंतरिक प्रश्न बन गया, किस भाषा के कारण या किस भाषा से छात्रों का प्रवेश किन विषयों में हो जाता है? गणित और विज्ञान विषयों में। दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी मोटी बातों का ही उल्लेख अधिक है। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा में इनके साथ साथ अध्यात्म विद्या का असीम ज्ञान का अक्षय भंडार विद्यमान है। अब देखो, अध्यात्म विद्या का भी संस्कृत भाषा में किस विषय पर अक्षय भंडार विद्यमान है? अध्यात्म विद्या का। देखो प्यारे बच्चों, मैं शुरू से कहता रहा हूं, हर एक लाइन एक आंतरिक प्रश्न, और मैं आपको बताता भी जा रहा हूं, और थोड़ा सा जितनी मेरी कोशिश है कि मैं आपको सरलता से समझाता भी जा रहा हूं। महात्मा गांधी अपने संस्कृत के अध्यापक पांडे जी का आजीवन आभार मानते थे, धन्यवाद मानते थे, क्योंकि उस संस्कृत के सारे ही वे गीता जैसे ग्रंथों के रस का आनंद ले पाए। यदि महात्मा गांधी जी संस्कृत नहीं जानते तो वो ग्रंथों का आनंद ना ले पाते। अभी यहाँ पर भी है कि महात्मा गांधी जी के अध्यापक का गुरु जी का नाम क्या था? पांडे जी। किस सब्जेक्ट के कारण वो ग्रंथों का आनंद ले पाए? संस्कृत।
संस्कृत के कान किन ग्रंथों को पढ़ पाए? गीता और महाभारत जैसे। उन्होंने अधिक संस्कृत न पढ़ पाने का पछतावा रहा। अब किस व्यक्ति को अधिक संस्कृत न पढ़ने का पछतावा रहा? महात्मा गांधी। देखो प्यारे बच्चों, उनकी दृष्टि में किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। किन बच्चों को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए? हिंदू बच्चों को, हिंदू बालक को। नेक्स्ट, वैदक। वैदक उठा बेटा आयुर्वेद से जड़ी बूटियों के लिखे हुए ग्रंथ। चरक, सुश्रुत, वाग्भट जैसे, और नीति शास्त्र। बेटा इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। नीति शास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जैसे ग्रंथ दूसरी भाषाओं में नहीं, बाल ये सारे के सारे किस भाषा में है? संस्कृत भाषा के अंदर है। वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास, वाण भट्ट, भर्तृहरि जैसे कवि भी अन्य भाषाओं में दुर्लभ हैं। अब ये संस्कृत भाषा में है। ज्योतिष, तंत्र शास्त्र एवं कर्म कांड पर तो मानव संस्कृत का एकमात्र अधिकार है। एकमात्र अधिकार किन विषयों पर है? ज्योतिष, तंत्र शास्त्र, कर्म कांड पर। किस विषय का? संस्कृत भाषा का। अतः सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि किन्हीं विश्व व्यवस्थाओं के कारण हम विद्यालय में संस्कृत विषय को न ले पाए तो घर पर स्वयं अथवा किसी की सहायता से संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। हेल्प लेनी चाहिए। घर पर मम्मी है, पापा है, कोई टीचर है संस्कृत, चाहे आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो। अब यहां पर कहने का अर्थ ये है कि संस्कृत भाषा कुछ ना कुछ अवश्य आनी चाहिए। यदि आप ना समझ सकें कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पढ़नी तो आनी चाहिए। नेक्स्ट, संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है या संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य, ऐसा कहना गलत है। यह है तो पूरे विश्व की भाषा है, मानव मात्र की भाषा है। यहां पर फिर एक प्रश्न बन गया कि संस्कृत किन की भाषा है? मानव मात्र की भाषा है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ये तकरीबन प्रश्न आंतरिक प्रश्नों में आ जाता है। और सारे संसार का साहित्य है, सारे समाज का या आपने फिर प्रश्न बन गया, सारे संसार का साहित्य किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इसे हिंदुओं की भाषा या हिंदू साहित्य इसलिए कह दिया क्योंकि आर्य समुदाय इसे अपनाता है। अब आर्यों का भी कई व्यक्ति गलत अर्थ निकालते हैं, तो मेरी दृष्टि में आर्य का अर्थ है हिंदी अर्थ है। आर्य शब्द संस्कृत का है, लेकिन हिंदी अर्थ है श्रेष्ठ। जहां पर अच्छे व्यक्तियों का समूह हो उस समूह को आर्य समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट, वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है। संसार के विद्वान यह मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। अब देखो, कंप्यूटर के लिए सबसे आसान भाषा कौन सी है? संस्कृत। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत भाषा आज भी विश्व भाषा बन सकती है। फिर प्रश्न बन गया, विश्व भाषा कौन सी भाषा बन सकती है? संस्कृत। तो पाठ 6 कक्षा 8 के प्रश्न उत्तर, प्रश्न 1, संस्कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर, संस्कृत भाषा में। देववाणी या सुर भारती भी संस्कृत भाषा को कहते हैं। संस्कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर, संस्कृत भाषा में। खाली ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, देववाणी भी लिख सकते हो, सुर भारती भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं बेटा। आप संस्कृत भाषा लिखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा है संस्कृत भाषा का है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 2, संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीनतम है? उत्तर, संस्कृत भाषा। प्रश्न 2, संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीनतम है? उत्तर रहेगा इसका प्यारे बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा।
संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? तो प्यारे बच्चों, संस्कार ते हैं गई भाषा, जब मैंने आपको पाठ्यधन कराया था मैंने ये भी कहा था कि इस पाठ के हर लाइन का एक क्वेश्चन आंतरिक बनता है। आप मेरी प्यारे बच्चों पाठ्यधन देखना, तो मैंने बहुत ही अच्छे से पाठ्यधन किया है और आपको आंतरिक प्रश्नों के बारे में भी बताया है। जो बच्चा मेरे इस चैप्टर के पाठ्यधन की वीडियो देख लेगा उसको पाठ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप वीडियो देखो तो एक बार नैतिक शिक्षा की पुस्तक से पाठ जरूर पढ़ो। संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार की गई भाषा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 4, संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध किस प्रकार है? संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है, अन्य भाषाओं की जननी है, इस भाषा के समान मधुरता व्यापकता किसी भाषा में नहीं है, भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत भाषा है, संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं, समस्त प्राचीन साहित्य वेद ब्राह्मण उपनिषद दर्शन धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इस कारण से संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहां पर जैसे ये बड़ा क्वेश्चन है, यहां पर अपनी वीडियो को स्टेबल कीजिए और अपना जो उत्तर है अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी के अंदर पूर्ण कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 5, संस्कृत साहित्य के किन्हीं दो ग्रंथों और लेखकों के नाम लिखिए। आप देखो संस्कृत साहित्य दो हैं, वैसे तो कई दिए हुए हैं पुस्तक के अंदर, लेकिन मैंने सिंपल उठाए हैं, रामायण वाल्मीकि, गीता वेद व्यास। लिखने की बात है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो लिखने का दिया वो वेद व्यास ने लिखा था, बोला तो भगवान श्री कृष्ण ने था, गीता मुख से निकली हुई है, लेकिन जो लेखन का कार्य है वो वेद व्यास के माध्यम से पूर्ण हुआ था। रामायण वाल्मीकि है और गीता के जो साहित्य है, गीता साहित्य है, उसके जो लेखक हैं वो वेद व्यास हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह जी ने संस्कृत को क्या दिया? गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भगत थे, उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था, उनका दशम ग्रंथ हिंदी में है, किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उसे अच्छी तरह समझ पाना असंभव है, गुरु जी के संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक रियासत में संस्कृत की निःशुल्क पाठशाला चलती रही। नेक्स्ट प्रश्न, हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए? हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारा प्राचीनतम साहित्य संस्कृत भाषा में है, पहला। दूसरा, संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र सा संबंध है। थर्ड, भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत सोर्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर संस्कृत है, समस्त प्राचीन साहित्य वेद ब्राह्मण उपनिषद दर्शन धार्मिक ग्रंथ और इतिहास रामायण महाभारत आदि संस्कृत में लिखे हुए हैं, प्राचीन विभिन्न ग्रंथों जैसे चरक सुश्रुत नीति शास्त्र कौटिल्य अर्थशास्त्र ज्योतिष तंत्र शास्त्र एवं कर्मकांड आदि संस्कृत में हैं। प्यारे बच्चों, इन स्लाइड्स के अंदर आपने ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्लाइड बननी रह गई है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 6 है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप अपनी नैतिक
शिक्षा की पुस्तक खोल लीजिए। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताओ। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताओ, प्रश्न नंबर 6 है। आप अपनी नैतिक शिक्षा की पुस्तक में देखो तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बता रहा हूं कि जो पॉइंट 4 है इसके अंदर कौटिल्य है, यही अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो उत्तर क्या बनेगा? अर्थशास्त्र के लेखक का नाम कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम कौटिल्य। ये जो कर्सर मेरा आप देख रहे हो, ये कौटिल्य का जो वर्ड पे है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का 1 वर्ड का आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 तो कंप्लीट ही है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन स्लाइड रह गई है। उसमें मैं आप अपनी नैतिक शिक्षा की पुस्तक के अंदर देख लोगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है। तो इसमें 8 क्वेश्चन के अंदर जो कौटिल्य शब्द है यही अर्थशास्त्र का लेखक है, ये वहां पर आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत किन की भाषा है? संस्कृत मानव मात्र की भाषा है। संस्कृत मानव मात्र की भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आपका ये, क्या संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है? अब बन सकती है तो कैसे? दो प्रश्न है। हां, पहले का आंसर तो हां, संस्कृत भाषा विश्व भाषा बन सकती है। और कैसे संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है? संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। इसकी सरलता, सरसता और भावों को आदान प्रदान की क्षमता अन्य भाषाओं की अपेक्षाकृत अधिक है। संसार के सब विद्वान इस बात से सहमत हैं कि कंप्यूटर के लिए, आप जो कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर के लिए सबसे सरल एवं उपयुक्त भाषा संस्कृत है। यदि इसका प्रयोग कंप्यूटर में होने लगे तो संस्कृत निसंदेह विश्व भाषा बन जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। यहां पर आपके बुक्स के क्वेश्चन पूर्ण होते हैं, लेकिन आपके लिए इस वीडियो के अंदर और भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट, पाठ से संबंधित शब्दार्थ, कुछ शब्द हमने उठाए हैं कि जो टिपिकल लगते हैं, उनका अर्थ आपको बताने की कोशिश की है कि देववाणी, देवताओं की वाणी अथवा बोली, सुर भारती, देवताओं की भाषा, परिष्कृत, परिष्कृत जिसका परीक्षण किया गया हो, आयातित बाहर से मंगवाया गया, जैसे इंग्लिश का वर्ड है इंपोर्ट, निःशुल्क, शुल्क रहित अथवा फ्री में जो चीज मिले, मूल, प्रधान, मुख्य, असल, जड़ आदि, दुर्लभ जिसे पाना सहज न हो। ये आप अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी के अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब कुछ आंतरिक प्रश्न भी हमने आपके लिए निकाले हैं, तो बहुत कमाल की वीडियो ये बनी है। गुरु गोविंद सिंह जी का दशम ग्रंथ किस भाषा में है? गुरु गोविंद सिंह का दशम ग्रंथ हिंदी भाषा में है। महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के कवि हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपका। अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखने के लिए। बोधों का मूल ग्रंथ किस भाषा में है? बोध, यहां पर थोड़ी सी फिर गलती हो गई, पौधे लिखा हुआ है यहां पर। अब स्लाइड के अंदर मेरे लिए मुश्किल है यहां पर इसको ठीक करना। ये जो प्रश्न है बोध, यही आप यहां पर लिख लोगे प्यारे बच्चों। बोधों का मूल ग्रंथ पाली भाषा में है। कंप्यूटर के लिए सबसे सरल और उपयुक्त कौन सी भाषा है? कंप्यूटर के लिए सबसे सरल और उपयुक्त संस्कृत भाषा है। यहां पर एक छोटी सी समस्या यही रही कि जो क्वेश्चन नंबर बोध लिखा गया तो यहां पर पौधों लिखा गया, प नहीं है यहां पर, बोधों, बोधों हैं। ठीक है, बोधो, बोधो है।
ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप ठीक कर लेना। तो हमने आपके लिए बहुत कोशिश की है और वीडियो को बनाने के लिए हमें भी कम से कम 2 से 3 घंटे लगे हैं आप बच्चों के लिए। तो आप बच्चे देखेंगे, याद करेंगे और हमें एप्रिसिएशन के लिए हमें सब्सक्राइब करोगे ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके प्यारे बच्चों। और यदि आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बताओ कि क्रिस इन्फॉर्मेटिक YouTube चैनल के अंदर वीडियो बहुत कमाल की है। ओके बेटा, तो धन्यवाद बच्चों, आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहें, आप खेलते रहें, आप मुस्कुराते रहें, आप आनंद में रहें और मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।